बिहार में जंगल राज को जिन्होंने करीब से देखा, वो उस दहशत और डर के माहौल को आज भी नहीं भुला पाए हैं। 90 के दशक का वो बिहार जो तेजी से बदलाव के लिए तैयार था, उस पर लालू जैसे भेड़िए नजर गड़ाए बैठे थे कि कब उनके हाथ में इसकी बागडोर आए और कब वो इसे नोच खाए। ये वो समय था जब बिहार में लोगों को रंगदारी ना देने पर तेजाब से नहला दिया जाता था। ये वो समय था जब बिहार में पुलिस वालों पर सरेआम गोलियां चलाई जाती थी। ये वो समय था जब बिहार में मासूमों का बलात्कार कर उसे सुसाइड घोषित कर दिया जाता था। जी हाँ, ये दौर था लालू के जंगल राज का, जिसे आज की पीढ़ी शायद समझ ना पाए, लेकिन उनके माँ बाप आज भी उस समय को याद कर सिहर उठते हैं। लालू के जंगल राज से जन्मे शहाबुद्दीन और साधु यादव जैसे शैतानों ने बिहार और बिहार वासियों की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी नहीं रखी। बिहार में अपराध जिस चरम पर पहुंचा, उसमें इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ था। 90 के दशक में शहाबुद्दीन के आतंक की अनगिनत कहानियां हैं। कैसे भूल सकते हैं प्रतापपुर का तेजाब कांड, जब शहाबुद्दीन ने दो भाइयों को तेजाब से नहला कर मार डाला था, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया था। या फिर 1996 में जब पुलिस को अपनी दबंगाई दिखाने के लिए शहाबुद्दीन ने एसपी एसके सिंगल पर गोलियां बरसा दी थी। लेकिन शहाबुद्दीन का सबसे भयावह कांड वो रहा जब उसने पुलिस बल पर AK-47 से हमला कर दिया और भाग खड़ा हुआ। शहाबुद्दीन के घर से भारी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए। घर से पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस कंपनी की मुहर लगी AK-47 राइफल भी बरामद हुई, जो उसके ISI से संपर्क के सबूत थे। इतनी सब घटनाओं के बाद भी लालू यादव ने इस गुंडे को शह देनी नहीं छोड़ी। शहाबुद्दीन को उम्र कैद होने के बाद उसकी बीवी हीना को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार चुनाव लड़वाया। गुंडों और अपराधियों के परिवारों के प्रति लालू के प्रेम जग जाहिर था, लेकिन ये इकलौता ऐसा गुंडा नहीं जिसे लालू या उसके परिवार ने पाल रखा था। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान राबड़ी देवी के हाथ में रख दी। फिर राबड़ी के साथ शुरू हुआ उसके भाई साधु यादव की गुंडागर्दी और दहशत का दौर। 1999 बहुचर्चित शिल्पी हत्याकांड में ये साधु नाम का शैतान मुख्य आरोपी है। साधु यादव के गैराज से शिल्पी जैन और उसके प्रेमी गौतम का शव बरामद हुआ। ओपीडिया की खबर के अनुसार शिल्पी का पहले बलात्कार हुआ और फिर हत्या हुआ। इस केस के बाद साधु यादव बिहार में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। उसकी बंदूक उसके जीजा की जुबान की तरह हमेशा खुली रहती थी। इसने बंदूक के जोर पर अपनी भांजी की शादी में आधी रात को गाड़ियों के शोरूम खुलवा कर पूरे पटना में 50 से ज्यादा गाड़ियां उठवा ली थी। तो वही 2001 में बंदूक को IAS की कनपट्टी पर लगाकर ऑर्डर साइन भी कराया। शहाबुद्दीन और साधु यादव, इन दोनों ने बिहार की मिट्टी को सिर्फ कलंकित करने का काम किया। बिहार के जंगल राज का वो काला इतिहास जिसे सोचकर लोग सिहर जाते हैं। लेकिन इतने सब के बावजूद ना तो लालू यादव न ही तेजस्वी को शर्म आती है कि वो किस मुंह से सत्ता वापसी के लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी, तूने तो माफी का नाटक चला रखा है। तेरे बाप के गुंडों के कारनामे इतने हैं कि तेरी माफी कम पड़ जाएगी, लेकिन इनके अपराधों की कठड़ी कम नहीं पड़ेगी। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है। सहमति देने से पहले मति से काम लें।